Everyone, welcome to FameWorld Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of web designing, our topic is HTML list. List क्या होता है? सबसे पहली बात आती है, जब भी हम कोई भी चीज एक proper way में present करते हैं, हम listing कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके की list होती हैं, जो कि ordered list हैं, जिन्हें हम numbered list कह सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 order में ordered list और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं जो कि आपकी बुलेटेड लिस्ट होती हैं। ये नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट का जो टर्म है ये जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एचटीएमएल में ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, किस तरीके से अपने वेब पेजेस पे ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर सकते हैं। सो आज मैं कोडिंग जो है वो एटम सॉफ्टवेयर में करने जा रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा अनटाइटल्ड एक फाइल हमारी ओपन है जिसको हम सेव कर सकते हैं और इसका नाम हम रखते हैं ऑर्डर लिस्ट डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हमारी एचटीएमएल फाइल है तो उसको सेव हम लोगों को एचटीएमएल में ही करना होगा। सो सपोज ऑर्डर लिस्ट डॉट HTML और HTM भी इसका एक्सटेंशन होता है, जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर हम लोग HTML ही यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप चाहे HTML यूज करें या HTM यूज करें। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सेव कर रही हूँ और अब हमारा टाइटल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट आ गया है। HTML की कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा बेसिक HTML टैग यूज होता है और HTML टैग को हम लोग इस तरीके से टर्मिनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे टाइटल देना है तो टाइटल के लिए सबसे पहले हम हेड टैग यूज करते हैं और क्योंकि हेड के पोर्शन में ही टाइटल आता है और टाइटल हेड के अंदर नेस्ट किया जाता है, तो हेड ओपन होगा तो हेड भी क्लोज होगा। अब यहाँ पर जो भी आपको टाइटल देना है, सपोज मैंने दिया ऑर्डर्ड लिस्ट एग्जाम्पल 1, इस तरीके से कुछ भी आपने अपना जो भी टाइटल दिया है वो वेब ब्राउजर के टाइटल बार पर आएगा। यहाँ हमारा हेड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बॉडी पे आते हैं, अपने बॉडी टैग पर। बॉडी टैग जो होता है ये हमारे HTML के ब्राउजर पे जो बॉडी होती है, ब्राउजर की बॉडी को डिजाइन करता है। जो भी आपको बॉडी एलिमेंट दिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर ही आते हैं। तो सपोज इस वक्त हम लोगों को लिस्ट पे वर्क करना है तो सबसे पहले, जैसे कि आज हम ऑर्डर लिस्ट पे वर्क करने जा रहे हैं, तो OL जो है वो टैग होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। OL ओपन होगा और OL क्लोज होगा, जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के वो इस OL के अंदर आएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले एक हेडिंग दे देती हूँ H1 और मैंने हेडिंग टैग आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी है हेडिंग टैग पर, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो देन प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें। हेडिंग टैग यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया फ्रूट्स नेम्स कुछ भी, और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग फ्रूट्स नेम ही देने जा रहे हैं क्योंकि एक एग्जांपल है, तो इस तरीके से कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रूट्स का लिया है, सपोज मैंगो। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के उसको हम लोग li से देंगे। li जो होता है वो लिस्ट होता है और इसके अंदर ही हम वो एलिमेंट्स देंगे जो भी हमारे लिस्ट के एलिमेंट है, ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ पर आपको जितने भी एलिमेंट देने हैं उतनी बार आपको li टैग का यूज करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स देने हैं उतने li टैग यूज करने हैं। सपोज मैंने यहाँ पर li दिया मैंगो ऑरेंज लीची गुआवा, कोई भी आप दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ol टैग स्टार्ट हुआ है तो ol टैग क्लोज हुआ है और li के अंदर सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो भी हमारे इस लिस्ट में हैं। तो आइए पहले इतना देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो मेरा जो फोल्डर है जिसमें कि मैंने ये आपका ऑर्डर लिस्ट का जो पेज है सेव किया है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये आपका ओपन होके आएगा। ये देखिए फ्रूट्स नेम मैंगो ऑरेंज लीची गुआवा, और क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आ रहा है जो कि ऑर्डर्ड है और ol टैग की वजह से ये 1, 2, 3, 4 आ रहा है। जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के हेल्प से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो टाइटल बार में हमने टाइटल टैग में हमने दिया था ऑर्डर लिस्ट एग्जांपल 1, ये आपका यहाँ पर टाइटल बार पर लिख कर आएगा। आइए इसी डॉक्यूमेंट को, इसी एचटीएमएल पेज को हम लोग आगे डिजाइन करते हैं। सो अब
ऑर्डर्ड लिस्ट जो होते हैं वो आपके कुछ 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये हमारा डिफॉल्ट था तो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, और डिफॉल्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है वो 1 होता है, 1 जो है बाय डिफॉल्ट होता है 1 2 3 4, ये टाइप टाइप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और अगर सपोज आप 1 दे भी दें तब भी वो उसी तरीके से आएगा जैसे अभी आ रहा था। सपोज मैंने यहाँ पर इस बार कुछ और दिया, पिछली बार हम लोगों ने फ्रूट्स के नेम लिए थे, सपोज मैंने यहाँ पर इस बार हेडिंग टैग फिर से यूज किया है और यहाँ पर हेडिंग टैग मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर्स, कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के नेम लेके चलेंगे इस बार, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग ले सकते हैं, लाइक टेली एटम भी एक सॉफ्टवेयर है आपका जिसपे आप वर्क कर रहे हैं, नोटपैड भी एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, कुछ भी, ये आपके एग्जाम्पल है। इस बार डिफरेंस क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर में टाइप 1 यूज किया है और यहाँ पर कोई टाइप नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट भी टाइप 1 ही होता है और आप यहाँ पर टाइप 1 ही यूज कर रहे हैं तो जो आउटपुट है वो सेम आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बस डिफ्रेंशिएट करके दिखाना चाह रही हूँ कि आप चाहे तो डिफॉल्ट है तो आप कोई टाइप ना दें, अदरवाइज आप टाइप 1 लिख भी सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आइए अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सपोज इस बार हमने ये ऑटोमेटिक बी आर लेता है क्योंकि आपका लिस्ट है, तो लिस्ट ऑटोमेटिक बी आर ले रही है, आपने कहीं बी आर टैग नहीं लगाया फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ रहा है। सपोज इस बार मैंने फिर से H1 टैग यूज किया और इस बार हम चलिए आइए फिर से यही सॉफ्टवेयर के नेम ले लेते हैं और इस बार हम टाइप चेंज कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। और यहाँ पर हमने इन सॉफ्टवेयर के नेम में इस बार जो है हमने टाइप ए यूज किया है। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टाइप होता है ए, जैसे ही हमने टाइप यहाँ पर ए यूज किया तो आप देख सकते हैं ये रिफ्रेश किया है मैंने और अब यहाँ पर ABCD लिखकर आने लगा, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 लिखकर आ रहा था, यहाँ ABCD लिखकर आ रहा है। ये आपका टाइप है अल्फाबेटिक जो कि A से ABCD डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से फिर से इसी को अगर लेके चले, इस बार सपोज मैंने ये आपका एग्जांपल ले लिया है फ्रूट्स का फिर से और यहाँ पर हम इसको लेते हैं और इस बार जो टाइप है मैंने यहाँ पर दिया टाइप स्मॉल ए। स्मॉल ए टाइप लेने से यहाँ पर आपको जो है स्मॉल ABCD लिखकर मिल जाएगा। सो हमने अभी 2 टाइप देखे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और बाय डिफॉल्ट 1 होता है, टाइप 1 भी हमने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए जैसे कि मैंने बताया HTML जो है वो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो मैं कैपिटल में टाइप करूँ या स्मॉल में टाइप करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल आई। लेकिन हाँ, जैसे कि ये टाइप है तो हमको बताना ही पड़ेगा ये कैपिटल या स्मॉल, तो यहाँ पर कैपिटल आई लिया है। तो ये रोमन रोमन जो लेटर्स होते हैं आपके 1 2 3 4, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 लेकर आएगा। उसके बाद आपका जो फिफ्थ टाइप होता है वो आपका होता है स्मॉल आई। ये कैपिटल आई था रोमन का कैपिटल अल्फाबेट्स और रोमन के स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए आपका होता है स्मॉल आई। तो स्मॉल आई दे देने से यहाँ पर आपके स्मॉल 1 2 3 4 इस तरीके से रोमन में लिख के आने लगता है। तो देखिए ये हमने जो यूज किया था, तो आइए इसकी हेडिंग्स थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। सपोज ये पहला वाला जो हमने लिया था, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो लिया था यहाँ पर हमने नो टाइप, कोई टाइप नहीं दी थी और यहाँ पर हमने टाइप 1 लिया था ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें, टाइप 1 लिया था, यहां पर हमने टाइप ए लिया है, टाइप इक्वल्स टू हमने यहां पर ए लिया था, यहां पर हमने टाइप इक्वल्स टू स्मॉल ए लिया था स्मॉल ए लिया था, यहां पर हमने टाइप इक्वल्स टू रोमन कैपिटल आई लिया था, यहां पर हमने टाइप इक्वल्स टू रोमन में स्मॉल आई लिया था। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं
यहाँ नो टाइप, कोई टाइप यूज नहीं किया, तो डिफॉल्ट 1 2 3 4, इससे पता चल रहा है कि डिफॉल्ट 1 2 3 4 ही है। यहाँ हमने टाइप 1 लिया था तभी हमें 1 2 3 4 ही मिलेगा। टाइप कैपिटल ले लेने पर हमें एबीसीडी मिल रहा है, टाइप स्मॉल ले लेने पर हमको स्मॉल एबीसीडी मिल रहा है, टाइप कैपिटल आई लेने पर रोमन में 1 2 3 4 मिल रहा है, टाइप स्मॉल आई लेने पर हमें रोमन में स्मॉल में 1 2 3 4 मिल रहा है। ये इस तरीके से आपके 5 टाइप्स होते हैं जो कि HTML के ऑर्डर लिस्ट सपोर्ट करती है। इसी के साथ एक और चीज है जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं की और मैं आप करने जा रही हूँ। पहले तो मैं इसकी एक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना पसंद करूंगी। कोई बॉडी कलर हम लोग लगा लेते हैं, सपोज बॉडी कलर के लिए बीजी कलर टैग हमने यूज पहले भी किया है, आई होप आपको याद होगा। सपोज हमने कोई भी कलर दे दिया ब्लैक, और टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट कलर पहले भी यूज किया है, और टेक्स्ट कलर हमने दे दिया येलो। ये टैग्स पुराने हैं, आई होप आपको याद आ रहे होंगे, और अगर अभी आपने वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज आप वो वीडियोस फिर से देखें, ताकि आपको अगर नहीं याद है तो आपको वो टैग्स जाना जाए। देखिए आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताना है कि यहाँ पर एक और चीज होती है जो कि है स्टार्ट। अगर जैसे आपका एक पेज फिल हो जाता है पूरा, और आपको चाहिए कि भाई अब 5 तक या 4 तक नंबर्स हो गए हैं, मुझे आगे से दूसरे वेब पेज पर दिखाना है, तो फिर वो 1 2 3 4 ही आएगा। ऐसे केस में हमको चाहिए कि वो 6 से स्टार्ट हो, तो हमने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट इक्वल्स टू, स्टार्ट होता है एक एट्रीब्यूट, जैसे कि टाइप एक एट्रीब्यूट है ओएल का, ओएल आपका ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है जिसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है कि 5 प्रीडिफाइंड टाइप्स में से कौन सा टाइप यहाँ पर यूज होगा, और स्टार्ट एट्रीब्यूट ये डिसाइड करता है कि नंबरिंग, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट है तो नंबर्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसे कि यहाँ 4 है तो मैंने कहा 5 से स्टार्ट हो। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ब्राउजर पर दिखाती हूँ, मैंने यहाँ स्टार्ट 5 किया है, सॉरी। आप देख सकते हैं मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, और अब ये टाइप आई में जो कि 1 2 3 4 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 6 7 8, ये किसी भी ऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट आप लगा सकते हैं। 5 टाइप्स की आपकी ऑर्डर लिस्ट है, आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं, और ये रोमन था तो इस तरीके से आया। अगर आप ये स्टार्ट 5 के अलावा आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, सपोज मैं इसको ले रही हूँ यहाँ से, और नाउ वी विल यूज इट हियर, सपोज कैपिटल ए में ले लिया, तो कैपिटल ए में जब हम इसको यूज कर रहे हैं, और सपोज आपने दिया स्टार्ट 34, अब तो अल्फाबेट तो जेड तक ही होते हैं, और जेड के बाद देखिए कैसे आता है ये, तो आप देख सकते हैं ये देखिए कैपिटल ए के बाद ए एच ए आई ए जे ए के, इस तरीके से आपका जो नंबर 34 था वो आराम से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसी तरीके से न्यूमेरिक में तो बहुत ही इजिली आ जाएगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा आई होप, और अगर कोई कंफ्यूजन है देन प्लीज आप वीडियो रिवाइंड करें। और ये देखिए सपोज मैंने यहाँ पर टाइप 1 में 1 2 3 4 के साथ 34 दे दिया, तो ये स्टार्ट 34 देने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 35 36 37 से स्टार्ट हुआ है। तो ये होता है स्टार्ट, और स्टार्ट भी एक एट्रीब्यूट है जो कि आपका ओएल का एट्रीब्यूट है, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट का। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट हम लोग डिजाइन करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मेरा इसके बाद एक आपको और वीडियो मिलेगा, और ऑर्डर लिस्ट के लिए भी आपको नेस्टिंग के एग्जांपल्स के लिए और वीडियोस मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऑर्डर लिस्ट का मैंने बताया यहाँ पर टाइप कौन सा हो सकता है, 5 टाइप्स हैं आपके, 1 स्मॉल ए कैपिटल आई रोमन का, स्मॉल आई रोमन का, और ये एट्रीब्यूट टाइप के साथ आपके यूज होते हैं, और स्टार्ट जो है स्टार्ट भी एक एट्रीब्यूट है ओएल का, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर नंबर से आपकी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने मेरे इससे पहले के जो HTML वेब डिजाइनिंग सीरीज के वीडियोस हैं जरूर देखे होंगे। अगर अभी तक आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज वॉच दोज वीडियोस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड